बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महाराज सुनाम, तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। महामति श्री प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1740 के साल में श्री पांच पद्मावती विधाम पन्ना जी पधारे। यहाँ पर आकर के उन्होंने इस धाम की स्थापना की, जिसके बारे में उन्होंने अपने निज परम धाम के अंदर में रंगमहल के तीजी भवन की पड़साल नीली पीले मंदिर में विचार किया था कि शाकुंडल सखी छत्साल जी के गृह मंदिर में सब स्वरूपों का मिलन होगा और जागनी लीला तमाम होगी। इसलिए प्यासे प्राणनाथ जी यहाँ पर पधारे और उन्होंने नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिनमें सरदार अक्षराती देख अपना ठोर महासुख पाए और यहाँ आकर के झंडा गाड़ू प्रेम को चहुदे से पीव पीव होए, ना जाने झुंड में कौन सुहागन होए, तो ठोर झंडे की चितलाए, यहाँ आकर के झंडा रोपण किया और श्री पांच पद्मावती विधाम पन्ना की स्थापना की। श्री दरबार साहब मंगला जी में यहाँ विराजमान हो करके उनके मुखारविंद से खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी मार्फत सागर छोटा क्यामतनामा अवतरण हुआ। सुंदर सात को परम धाम का दिव्य दर्शन करवाया। सुंदर सात जी ऐसे दिव्य धाम परम धाम को देख करके अपने निज परम धाम के आनंद को पा करके श्री राज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। उस समय पर पिया प्राणनाथ जी कहते हैं कि अपना निज मंदिर बनाया जाए, तो सब सुंदर सात ने मिलकर के जिसमें शाकुंडल सखी छत्साल जी भी हैं, लालदास जी हैं, मुकुंददास जी, केशवदास जी, सभी इन्होंने मिलकर के यह साक्षात गुम्मट जी का कर कमलों द्वारा उन्होंने बनाया अपने हाथों से। स्वयं श्री पिया प्राणनाथ जी के समय में उनके निर्देशन में यह श्री गुम्मट जी बनके तैयार हुआ। तो गुम्मट जी को बनाने के पूर्व में पिया से प्राणनाथ जी ने अपने उन भक्त को, उन सुंदर साथ को जिनका नाम लक्ष्मीदास जी था, जिनके हृदय बीच में विचार आया कि क्यों ना हम अपने पिया जी का प्राणनाथ जी का मंदिर सोने का बना देवे। उनके पास पारसमणि थी, तो वह पारसमणि लेकर के उनके अंदर ये भावना आई कि वह पिया जी का मंदिर, प्राणनाथ जी का मंदिर सोने का बनाए, तो वह उद्यम करने लगे, उपाय करने लगे। तो दरबार साहब बंगला जी में देखते हैं लक्ष्मीदास जी चर्चा में हाजिर नहीं थे। पिया प्राणनाथ जी ने पूछा, सब सुंदर साथ तो दिख रहे हैं, लक्ष्मीदास नहीं दिख रहे हैं। तो सर ने बताया कि लक्ष्मीदास जी के दिल में विचार आया है कि वह है मंदिर सोने का बनाने जा रहे हैं, इसलिए वो उद्यम उपाय कर रहे हैं और इस तरह से वह अपने काम में मतलब कि लगे हुए हैं। तब श्री प्राणनाथ जी ने उनको बुलवाया कि जाओ बुला के लाओ। लक्ष्मीदास जी को बुला के लाया गया तो लक्ष्मीदास जी से पूछा, भाई क्या है? उन्होंने बताया, मेरे पास ये पारसमणि है और हम चाहते हैं मंदिर सोने का बन जाए। तो पिया प्राणनाथ जी ने उनसे उनकी पारसमणि ले ली और पारसमणि लेकर के पास में जहाँ नदी किलकिला है और उसका जल जो कुंड में गिरता है उस कुंड में उसको छोड़ दिया। तो लक्ष्मीदास जी महाराज जी बहुत दुखी हो गए। तो पिया प्राणनाथ जी ने उनसे कहा, तुम पारसमणि के लिए दुखी हो रहे हो, तुमको कितनी पारसमणि चाहिए? जाओ अपने मंदिर में जाओ, तुमको जितनी पारसमणि चाहिए मिल जाएगी। लक्ष्मीदास जी गए तो देखा, दरवाज़ा खोला तो पारसमणि उधर ढेर लगा था। वहाँ से एकदम से उनकी अंदर की दृष्टि खोली और फिर जागृत हुए, भागते हुए चरण में आए। तब उन्होंने कहा कि नहीं धनी,
हमें आज आपने सद्बुद्धि दी है, हमें यह नहीं चाहिए और आप हमें माफ़ करो। तो प्रिया प्रणा जी समझ गया कि अब इनको समझ आई है, तो उन्होंने कहा ठीक है। उनके हाथ में एक कड़ा था, जो आप ये कड़ा देख रहे हैं, ये कड़ा था, एक कड़ा दीजिए। तो कड़ा में प्रिया प्रणनाथ जी ने अपना आशीर्वाद डाल दिया और फिर सुंदर साथ से यही कहा इसको पश्चिम के दरवाजे में, गुम्मट जी में इसको लगाया जाए और इसमें जो आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद को जो भी लेगा, इसको जो भी अपने जमुना जी का जल स्पर्श करेगा, अपने मस्तक इसमें नमाएगा, जो भी मनोकामना करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये चमत्कारी कड़ा तब से लगा हुआ है, कड़ा की महिमा है। आज भी देश विदेश से लोग आते हैं, अनेक प्रकार की आयाधि व्याधि जितनी भी हैं, कोई प्रकार की कठिन से कठिन बीमारी है, तो इसको धोकर के, जमुना जी के जल से धोकर के राज्य महाराज जी के चरण मत मिला करके ले जाते हैं और वह है उसको बहुत आराम होता है, बहुत सुख मिलता है। तो ऐसा ये प्रतापी कड़ा है जो कि पिया प्राणनाथ जी के समय से यहाँ पर विद्यमान है और ये गुम्मट जी जो कि उनके समय बन के तैयार हुआ था, तो परमधाम का ये रंग महल का ही निशान है। जैसे परमधाम में रंग महल है, ऐसे ही यह गुम्मट जी है, परंतु इसमें परमधाम के 25 पक्षों का समावेश है। गुम्मट जी में यहाँ पर परमधाम के सभी निशान इसके अंदर में मिलते हैं। जो चर्चनी को जानता है, जो परिक्रमा वाणी को जानता है, वह समझता है कि इसके अंदर में वास्तव में तीजी भूम की पड़साल है, हाँस है, गुर्ज है, झरोखे हैं, हम सारे निशान इसके अंदर में आज भी दिखते हैं। सुंदर साहब जी इसको देख करके वह चर्चनी को बहुत सरलता से समझ सकता है। जो चर्चनी को समझ गया तो परम धाम के 25 पक्ष को वो बहुत जल्दी समझ सकता है। इसलिए यह पन्ना धाम के अंदर में पिया प्रणनाथ जी ने अपने निज घर परम धाम की याद दिलाई है और यहीं से सभी ब्रह्मात्माओं को इकट्ठा होना है श्री पिया प्रणनाथ जी के पास में आकर के, उनके श्री चरणों में जो जहाँ भी है, आखिर के समय हम सब मिल करके यहीं से अपने निज घर परम धाम वापस जाएंगे, ऐसा वाणी कहती है। पौंडसी भेले जाक्षी भेले खेल देखा समय को वाता कर सी जुदी जुदी विध विध की विषय को, बातें तो अलग अलग करते हैं लेकिन जिनको ज्ञान होगा, जिनको वाणी की पहचान होगी, वह इसको बिल्कुल सब समझ सकेंगे कि इन देहरी की सब चूम सी खाक सिरदार मेहमान दिल पाक, ये एक स्थान है जहाँ अखल ब्रह्मांड के समस्त जीवों को भी मुक्ति मिलनी है। इसलिए ये ब्रह्मांड के अंदर में सर्वोपरि स्थान है और उसी समय से ये बना हुआ है, यह प्राणनाथ जी के समय से। हम सब अपने सुंदर साथ सहित यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, चिंतन करते हैं और राज्य से ही प्रार्थना करते हैं कि हम सब सुंदर साथ को आप आत्मबल दीजिए, अपना बल बुद्धि दीजिए और हम सबको अपनी पहचान दे करके परम धाम की पहचान करवाइए। इसी उद्देश्य को लेकर के हम सब यहाँ इनको नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।